Dear students, welcome to the classes of Rehe Academy. We are studying retirement of a partner, and the concept is treatment of reserves and accumulated profits or losses. अगर किसी भी partner के retirement के time पे आप हमारे balance sheet में या books of accounts में profit reserve है, accumulated profit है या accumulated loss है या last year का loss है या profit है, तो कैसे treatment करते हैं? Question है, XYZ are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April. On the date of Z's retirement, following transactions existed in the books of firm. फास्ट होता है जनरल लीजर 180,000. जनरल लीजर होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. हमारा बिजनेस के प्रॉफिट से हम हर साल या कई जिस सालों में जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होता है जिस साल में कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट ना करके पार्टनर्स के बीच में जनरल लीजर में जमा करके रखते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए. तो उसको हम बोलेंगे जनरल लीजर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जनरल लीजर अकाउंट डेबिटेड 180,000 टू एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. नरेशन होगा बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड जनरल लीजर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो फॉर रिटायरमेंट ऑफ जेड. जेड रिटायर हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. जनरल लीजर क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसलिए डेबिट करके कैंसिल करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब इट इज ए लॉस. तो बैलेंस शीट के एसेट साइड होता है. इसका एंट्री उल्टा कर देंगे. डेबिट बैलेंस लॉस होता है तो इसका रिवर्स एंट्री यहाँ होगा. दैट इज एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2:1 सारे ओल्ड रेशियो में होता है. नरेशन होगा बीइंग एक्युमुलेटेड लॉस ऑफ लास्ट ईयर्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो फॉर रिटायरमेंट ऑफ जेड. जेड रिटायर हो गया तो इसीलिए ऐसे कर रहे हैं. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैंने फंड लिखा है, आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखो. इट इज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट क्योंकि कोई क्लेम नहीं है. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इसको एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल अकाउंट. बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो फॉर रिटायरमेंट ऑफ जेड. जनरल को जरूर टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. और एक चीज रह गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 20,000. ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपने सैलरी से कुछ पोर्शन फार्म में जमा करते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा. तो इसमें फार्म का कुछ नहीं है. इट इज जस्ट ए लायबिलिटी. ये हमारा रिफंडेबल प्रॉफिट नहीं है पार्टनर्स को. तो इसलिए ये आपको कन्फ्यूज कर रखा है, कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और आगे फंड लिखा है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट. तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. ये फंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है.